देखिए नमस्कार। देखिए आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। ये वीडियो बेसिकली मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो साथी हैं, भगवान ने जो साथी, जो दोस्त, जो नाते रिश्तेदार, जो मित्र और कुल मिलाकर ये दुनिया के सारे लोग, ये सब हमारे दोस्त ही तो हैं और क्या है। अच्छी बात है, टूर में आना चाहिए, गंगा स्नान करने आना चाहिए, पर बड़ा दुख होता है जब गंगा स्नान करने के दौरान आप लोग सेल्फी के चक्कर में या कुछ भी, जो भी आपके मन में ऐसा विचार आए, आप लोग गंगा स्नान करने जाते हैं, गंगा में डुबकी मारते हैं, लेकिन उस दौरान लापरवाह ना बने। तो ये वीडियो उन लोगों को समर्पित है जो लापरवाही करते हैं, इसलिए जीवन में लापरवाही नहीं करनी है और न ही अपनी सेल्फी बनानी है। समझ रहे हैं आप लोग, आपने बनाना ही नहीं है। तो मेरा ये उद्देश्य है कि आप गंगा स्नान करें, पर अपनी जान को, अपनी जिंदगी को जोखिम में ना डालें, तो सबसे बढ़िया है घर में ही आप पानी लें, स्नान करें अपने घर में और स्नान करने के दौरान ही पानी लीजिए। जो बाल्टी आप पानी लेते हैं, बस उसमें दोनों हाथ डिप करिए, डुबाइए दोनों हाथों को और मंत्र बोलिए, गंगे चौ यमुने चौ गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले स्मृति जले स्मृति। बस इस मंत्र का जाप करते हुए आप जो है उस पानी से स्नान करें और बस उसी उस पानी से आपका पुण्य होगा, ठीक है, वो भी गंगा जल के स्नान। तो ये ध्यान दीजिएगा, कहना चाह रहा हूँ कायदा गंगा स्नान करके गंगा में जाएं और गलत तरीके से स्नान न करने के कारण जल्दीबाजी में कई बार पाँव फिसल गया, सेल्फी ली, उस चक्कर में जान जोखिम में भी डाल दी, बहुत गलत बात है, ऐसा कृपया न करें। जब जिंदगी है अभी सब कुछ है, वही मुश्किल से ये जिंदगी मिली हुई है, इसलिए मेरा ये मानना है कि आप लोग जो है है 84 लाख यूनियन के बाद जो मिला हुआ है, इस जीवन का सदुपयोग करें और जब तक धरती पर अपने द्वारा जो भी काम अच्छा ही काम करें, भलाई करें और देश की सेवा में अपना जीवन समर्पित करें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ये आशा है, विश्वास है सभी लोग जो है गंगा स्नान करने जब जाएँ तो तरीके से स्नान करें। गंगा के किनारे जो चिड़ी लगी होती है वहीं पर स्नान करें, कायदा या इसके बजाय आप बीच में जाएँ, ये काम करें। ओके, इसी क्रम में मैंने वीडियो बनाया था, इसलिए अगर गंगा स्नान करें तो बड़े प्यार से करें, आराम से करें, ठीक है, जंजीरों को पकड़ें, जो किनारे जंजीर हैं उनकी सहायता से करें, बीच पानी में न जाएं, किनारे ही डुबकी लगाएं और सेल्फी ना लें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।